गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल ऑन द वे अमन। तो गाइज अभी भी मैं केदारनाथ में हूँ और केदारनाथ के पास एक बने गेवाणी नाम की जगह पर स्टे कर रहा हूँ और ये शायद मेरा आज चौथा दिन है यहाँ पे। और यहाँ का बहुत ही प्यारा व्यू, पहले आप ये देख लीजिए, अभी मैं होम स्टे की छत पर खड़ा हूँ और बहुत ही प्यारा, और धूप भी लगी है लेकिन कोई भरोसा नहीं है कब बारिश आ जाए यहाँ, तो इतनी खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए धूप की। तो आपने देख ही लिया, और पीछे ये जो आप नदी देख रहे हैं ये मंदाकिनी नदी है, बहुत ही प्यारी। और आज का जो प्लान है गाइज, इस होम स्टे से मेरा त्रियोगी एक मंदिर है यहाँ पे, और उस मंदिर की जो खास बात है, वहाँ पर शिव और पार्वती माता जी का विवाह हुआ था। तो आज उसी मंदिर के दर्शन करने जाना है और इस ब्लॉग के थ्रू आप भी दर्शन कर पाएंगे। और इस होम स्टे के जो ऑनर है, मैं उनसे भी आपको मिलवा देता हूँ। सर है इस प्रॉपर्टी के जो ऑनर है वो ये हैं। सर आपका क्या नाम है? देवानंद भट्ट। अच्छा जी, और आप शुरू से यहीं रहते हैं सर? हाँ यहीं रहते हैं। अच्छा अच्छा, और अगर किसी बाइकर ने या किसी फैमिली वाले ने आपके होम स्टे में आना हो तो ये किस जगह पे पड़ता है? ये गिवाणी गाँव पंचकेदार। अच्छा, ये पंचकेदार जो आपके होम स्टे का नाम है जी, जी, जी। और गिवाणी आपके इस शहर का नाम? शहर का नाम है जी। ओके 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 ओके, ठीक है। और ये 24 घंटे खुला है? हाँ खुला है, 24 घंटे खुला। आप ही मिलेंगे? हाँ जी। ठीक है जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत। तो गाइज इस राइड में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ जा रहा है एक ब्रदर जिसका नाम है महादेव। तो मिलिए महादेव से। तो रेडियो? हाँ, चले फिर। हाँ, चलो चलो, ठीक है गाइस, बाकी बातें करेंगे हम बाइक पर, मिलते हैं। तो गाइस मैं और महादेव निकल रहे हैं, सुबह का टाइम जो हो रहा है 7 बज चुके हैं और होम स्टे से निकल चुके हैं। होम स्टे में मैं रह रहा हूँ, ये इन्हीं की प्रॉपर्टी है महादेव की। बाकी जब मैं केदारनाथ के लिए गया था तो सुबह निकल गया था, जिस कारण ये रास्ता मैं आपको दिखा नहीं पाया था। तो मेरे इस होम स्टे से जो त्रियोगी मंदिर का जो डिस्टेंस है वो है 47 किलोमीटर। तो एक घंटे से थोड़ा 10-15 मिनट और टाइम लगेगा और वहीं पहुंच के मैं आपसे बात करता हूँ, और बीच में अगर कोई प्यारा सा व्यू आया तो आपको मैं दिखाता चलूँगा। तो गाइज ये स्ट्रेट रोड जो है वो बद्रीनाथ को जा रही है, और लेफ्ट हैंड साइड अगर आप ब्रिज की तरफ जाएंगे तो केदारनाथ को इस साइड जाना ना। तो गाइस कल मैं यहाँ के लिए निकलूँगा बद्रीनाथ के लिए, और केदारनाथ फाटा और त्रियोगी मंदिर के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड लेना पड़ता। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि यही रास्ता केदारनाथ मंदिर को भी जा रहा है और यही रास्ता त्रियोगी नारायण मंदिर को भी जा रहा है। तो इसी रास्ते में आपको 2 पेट्रोल पम्प भी मिलेंगे आपको। तो कहीं कहीं तो रोड ऐसे मिलेंगे जैसे हाईवे टाइप है, और कहीं तो बहुत ज़्यादा टाइट और कच्चे रोड मिलेंगे आपको केदारनाथ जाते हुए भी और त्रियोगी नारायण मंदिर भी। और थोड़े बहुत कच्चे रास्ते ऐसे मिलेंगे जो अभी आप देख रहे हैं, यहाँ थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है रोड पे। कहीं कहीं तो रोड ऐसी है जहाँ सिर्फ एक बस ही निकल सकती है, और आगे से कोई बस आ जाए तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। ये ट्रक कैसे पलटे पड़े हैं? आप तो गाइस ये जो ट्रक आपने देखे और गाड़ियां बीच में पलटी हुई, ये जो 2013 में जो आपदा आई थी उस वक्त तब पानी में बहकर आई होंगी गाइस, और जो अभी तक यहीं पड़ी हुई है। तो फाइनली गाइस सोनप्रयाग में मैं पहुंच चुका हूं। तो गाइस जब मैं केदारनाथ के लिए आया तो यहीं पार्किंग की थी। तो गाइस जब आप इस पार्किंग में पहुँच जाएंगे सोनप्रयाग, तो यहाँ सामने एक रोड कट रही है, अगर आप इधर से आएंगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे त्रियोगी नारायण मंदिर के लिए। तो गाइस ये रास्ता जा रहा है जहाँ अभी हमें जाना है, तो चलते हैं गाइस। तो स्टार्टिंग में रोड आपको काफ़ी ख़राब मिलेगी त्रियोगी नारायण मंदिर जाने के लिए, और अभी जो आप देख रहे हैं ऐसी रोड है, अब काफ़ी अच्छी रोड आ गई है। तो बीच बीच में आपको रास्ता कच्चा भी मिलेगा और पक्का भी, जैसे आप देख रहे हैं अभी त्रियोगी नारायण मंदिर के लिए। तो इस मंदिर की जो दूरी है वो 7 से 8 किलोमीटर है अगर जैसे आप टर्न लेंगे नीचे से। तो काफ़ी घना जंगल है यहाँ त्रियोगी नारायण मंदिर जाते हुए जो आप देख रहे हैं अभी।
तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं और यहाँ का एरिया कुछ ऐसा नज़र आता है और सामने हिमालय, हिमालय पर्वत के आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ से। तो गाइस खाना वाना हमने खा लिया, मैंने और महादेव ने, अब मंदिर की ओर जा रहे हैं। तो गाइस जो आप पीछे दरबार देख रहे हैं गेट सा, वहाँ से एंट्री है। तो जैसे ही आप मंदिर में एंटर करेंगे तो यहाँ पे प्रसाद की छोटी छोटी शॉप्स वगैरह बनी हुई है। ये त्रियोगी नारायण मंदिर जो है वो ऑन रोड ही है। जैसे ही आप अपनी गाड़ी पार्क करेंगे और अंदर आएंगे तो सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे ही आपको मंदिर नज़र आने लगेगा। और मैं आपको यहाँ के दर्शन करवा देता हूँ ऊपर से कि मंदिर कैसा लगता है। तो गाइस जो आप सामने मंदिर देख रहे हैं ये है त्रियोगी नारायण मंदिर। तो गाइस मंदिर के लिए आपको यहाँ से आना है और ये जो पौड़ियाँ हैं नीचे उतर के आप अपने हाथ से आवाज होता है। ठीक है, तो मेन मंदिर गाइस ये है। तो अभी अंदर चल के हम दर्शन करते हैं, चले। तेरा पैसा दो तो सबको। मेरी बात सुनो, मंगलम पुण्य काय मंगलाय तनो हरि जय बहुत। ये क्या बताया आपने? जो तिल हवन के लिए अंदर। अच्छा, हवन में डाले जाते हैं ये। ठीक है, और ये क्या है इसका प्राइस? 10 रुपये। अच्छा, तो गाइस ये हवन सामग्री है, इसमें हवन में यही डालते हैं। तो ये मैंने ले लिए। क्या है चौथी का? इसको बाएं हाथ में रखिए, जब मैं स्वाहा बोलूंगा थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालना। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा। महालक्ष्मी विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। तत्प्रसाद विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। टोटल हाथ पे ले लीजिए, पेपर हटा लीजिए। अपने इष्ट देवता कुल देवता का ध्यान करना जिसकी आप घर में पूजा करते हैं, कागज नहीं डालना है। ठीक है जी। ओम वैश्वान राय विद्महे सप्त जीवाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात् स्वाहा। जी इस मंदिर की क्या विशेषता है? प्रभु शिव पुराण के अनुसार यहाँ पे माता पार्वती और भगवान शंकर ने शादी की थी। अच्छा जी, जो उसमें लिखा हुआ है। ठीक है जी। तो ये तब का अखंड धुना, ये कभी बुझता नहीं है। अच्छा, ये कभी डेली लकड़ी लगा के, अच्छा जी, इसको जलाई रखता कंटिन्यू। ठीक है। इस मंदिर का नाम है त्रियोगी नारायण मंदिर, रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, उत्तराखंड के। ये मंदिर जो है यहाँ पे मान्यता है कि भगवान शंकर और माता पार्वती जी ने इस जगह पे शादी किया था, भगवान विष्णु जी को साक्षी मान के। तो ये मूलतः नारायण जी का मंदिर है और यहाँ पे भगवान शंकर और माता पार्वती जी का शादी हुआ। चार कुंड यहाँ पे पहले देखने को मिलते हैं, ब्रह्म कुंड, रुद्र कुंड जिनमें स्नान आदि होता है, तीसरा है आपका विष्णु कुंड जिसमें जो है चरणामृत होता है, चौथा है सरस्वती कुंड जिसमें पितृ तर्पण आदि का कार्य होता है, पांचवी जगह आपको देखने को मिलती है धर्मशिला नाम की जगह है जहाँ पे जो है मंडप बना हुआ था, गोदान हुआ था, किला अभी तक वहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, और वो श्री चक्र देख सकते हैं जहाँ पे कन्यादान हुआ था। पांचवी अगर आप लोग अंदर जाते हैं दर्शन करें तो तीन युग की धुनी देखने को मिलती है, जो तीन युग से यहाँ पे कंटिन्यू जल रही है जिसके सामने भगवान शंकर और माता पार्वती जी ने शादी के फेरे लिए थे। अच्छा, वो चीज है। फिर अंदर जो है भगवान नारायण जी के दर्शन होते हैं, भगवान विष्णु के दूसरे दर्शन होते हैं। नारायण भगवान, लक्ष्मी, सरस्वती, क्षेत्रपाल, कुबेर, रामचंद्र, नर नारायण और भगवान श्री सत्यनारायण जी,
फिर वहीं अंदर जो है आपको अखंड ज्योति भी देखने को मिलती है जो कंटिन्यू जल रही है 3 दिन से। अच्छा जी, ये चीज यहाँ पे है, बाकी ये बाहर पंचनाम देवताज हैं। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। यही यहाँ के महेंद्र दर्शन है। दूसरी दंत कथा यहाँ की, ये एक पुराणों में लिखा गया है कि भगवान विष्णु का जो 52 अवतार हुआ था, जो महाराजा बलि थे, जो उनको पाताल लोक का राज्य दिया था, तो यहाँ पे उनका अवतार हुआ महाराजा बलि। ये भगवान विष्णु का जो 52 अवतार इसी जगह पे हुआ। तो गाइस, मैं यहाँ दर्शन करने आया हुआ था और यहाँ मेरे एक बहुत ही अजीज प्यारे सब्सक्राइबर भी मिले हैं, जो कि यहीं मिले हैं मेरे को। क्या नाम है सर आपका? परेश अम्बलिया। ओके, और कहाँ से आए हैं सर आप? मैं गुजरात मोवा से आया हूँ। ओके ओके, और आगे भी जाएंगे कहीं की? हाँ, हम केदारनाथ जाके आए हैं अभी। अच्छा, और अभी बद्रीनाथ जाके। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ दर्शन अच्छे से हो गए? दर्शन हो गए, बहुत मजा आया। चलो, थैंक यू, हैप्पी जर्नी सर। थैंक यू वेरी मच। तो गाइस, काफ़ी अच्छा लगा मंदिर आके और काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गए हैं। तो गाइस, अब यहाँ से चलने का समय हो गया है और कल बद्रीनाथ के लिए भी जाना है। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फाइनली मैं रूम पे पहुँच चुका हूँ और सुबह मैं आपको धूप दिखा रहा था और अब का नज़ारा देखिए गाइस, सारी तरफ काले बादल हैं और बारिश होके हटी है और बाइक मेरी बिल्कुल नहा चुकी है पानी के अंदर और सामने भी मौसम बिल्कुल ख़राब हो रखा है। हवा बहुत ज़्यादा चल रही है और कल का पता नहीं है क्योंकि कल मुझे बद्रीनाथ के लिए निकलना है। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको त्रियोगी नारायण मंदिर के दर्शन करके कैसा लगा। और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और जाने से पहले सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि तो मैं अब इस ब्लॉग का यहीं एंड करता हूँ और सुबह मिलूँगा एक नई राइड पर बद्रीनाथ धाम के लिए। तो मिलते हैं आपसे सुबह, तब तक के लिए गुड बाय।